हैं इसकी पूंछ का पर्टिकुलर ये हिस्सा, आप देख सकते हैं सर्कल ये आ रहे हैं। स्वागत है आप देखिए रेस्क्यू की मदद से तो लगभग दोपहर के 3 बज चुके हैं। हमारे पर रेस्क्यू कॉल आया था सेक्टर 9 सबीना इलाके से, यहाँ पर कोई बिल के अंदर सांप उसे बाहर निकल के बताया गया है। दोस्तों ये उदयपुर से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर होगा और यहाँ पर कोई खड्डे में सांप है, चलो आपको निकाल के बता दिया दोस्तों, कमोन खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। तो इंडियन रेड स्नेक इसे आम भाषा में लोग ब्राह्मण कहते हैं और बिल्कुल आप देख सकते हैं ये बिल्कुल कोबरा पैटर्न में है। इसके अनुपम रेड स्नेक इस पैटर्न में पाए नहीं जाते हैं, देखते बिल्कुल ब्लैक कलर में और इसे बाहर निकाल के बताएंगे आपको। और ये पानी के खोद में बैठा हुआ है, ये चूहो गिलहरिया और सांप का चूहो गिलहरिया और मेंढक का शिकार करता है। ये नॉन पॉइजनस स्नेक होता है सर, नॉन पॉइजनस स्नेक होता है जी सर। ये दिक्कत आप दोस्तों देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ये काफी साइज बड़े साइज में मिलता है ये सांप। से आम भाषा में दामन कहते हैं और इसका कॉमन नेम रेड स्नेक। भैया 2 मिनट शांति ना रहे। तो आप देख सकते हैं इसके सेगुलर पार्ट का पैटर्न, कोबरा के ऊपर कभी भी लाइन नहीं होगी, पर ये कोई अनप्रोफेशनल आदमी काम करता है तो कंफ्यूज कर जाता है कोबरा और रेड स्नेक में। ये आप देखते हैं ये पैटर्न बहुत ज़्यादा होता है नून टाइम की, ये पैटर्न में सांप कंफ्यूज हो जाता है, लोग कोबरा समझ रेड स्नेक समझ के कोबरा पकड़ लेते और बाइट हो जाता है। देखिए आप इस तरह से ये तीन हम देखते हैं इसकी पूंछ का पर्टिकुलर ये हिस्सा, आप देख सकते हैं सर्कल ये आ रहे हैं और इसने अपने किस तरह शरीर को कुंडली बनाकर ये बिल्कुल बैठा हुआ है इसके अंदर छुपा के अपना मुंह, और ये कम से कम 4 से 5 फीट 3.5 से 4 फीट का होगा। इसे हम बाहर निकाल कर बताएंगे आपको। फिर 2 मिनट देना, ये खड़े रहना भैया, बहुत मिनट हाँ सब का फोटो देखते हुए रखो, सब देख रहे हैं। तो दोस्तों बाहर निकल के बताते हैं इसे, पानी के बोध में आ चुका है, काफी एग्रेसिव मूड में है। आम भाषा में लोग दामन कहते हैं और चूहो गिलहरियों का शिकार करता है, और काफी आप जिस इतना गिरा ही दोस्तों किस तरह से ये अपने पैर को पकड़ लेता है, और बड़ा कॉमन सा स्नेक है ये, राजस्थान में इसे बहुत कॉमन स्नेक मान जाता है। अभी कॉन्टेक्ट करते हैं, इसके दांत होते हैं? नहीं सर दांत होते हैं, पर ये बिना जगह साफ होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ये पानी वाला नहीं सर? नहीं नहीं सर पानी वाला नहीं है,
खेतों में सांप मिलता ही नहीं। बिल्कुल जहर नहीं होता है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, बस निपटा कर लीजिए। हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने बताया था, मुझे सरीना से इशू किया था, ये इंडियन रेड स्नेक इसे आम भाषा में दमन करता है, ये चूहों गिलहरियों और मेंढकों का शिकार करता है, ये मिनिमम साइज 11 से 10 फीट की होती है, ये छोटा ही है पर ये बिना जर का सांप होता है, तो आम भाषा में दामन भी कहते हैं, ये खेतों में ज़्यादा मिलता है, तो इसका आप निकाल के बताइए कि आपके सांप इधर फॉरेस्ट में। दोस्तों आप देख सकते हैं ये इंडियन रेड स्नेक, लोग इसे काफी तेजी से ये सांप भागता भी है। हमने सवीना से रेस्क्यू किया था, ये खड्डे के अंदर बैठा हुआ था, परेशान हो चुका था, और इसे आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने फॉरेस्ट में से रिलीज कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये फॉरेस्ट में जा चुका है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, बस मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो पर नोटिफिकेशन घंटी हो जाए। तो अभी के लिए सी यू दोस्तों।